नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको बाथरूम में ब्लॉकेज पाइप को क्लीन करना सिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बाथरूम वाला एरिया है और यहाँ पे कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। पानी की जो पाइपलाइन है दोस्तों वो ब्लॉक हो चुकी है। पानी की पाइप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कचरा आया होगा, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे देखिए प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये देखिए ये पानी का प्रेशर है। उसके बाद चलिए टॉयलेट में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये वॉश बेसिन लगा हुआ है तो यहाँ भी दोस्तों प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टॉयलेट वाला एरिया है और यहाँ पे टैप लगा हुआ है तो यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी टैप है तो यहाँ भी पानी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। पाइप पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों ब्लॉकेज पाइप को साफ करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रेशर पंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। इससे जो है दोस्तों पूरा पाइपलाइन साफ हो जाएगा। मल्टीपल कामों में यूज कर सकते हैं इसको आप, ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए, सीवर पाइपलाइन के लिए, उसके बाद बाइक वगैरह कार धुलने के लिए और ये पाइपलाइन को साफ करने के लिए। तो अभी इस प्रेशर मशीन से प्रेशर देके पूरे पाइपलाइन को क्लीन करूंगा मैं। तो ब्लॉकेज पाइप को कैसे क्लीन करेंगे जानकारी के लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों अब चलिए मैं दिखाता हूँ फटाफट कि ब्लॉकेज पाइप को कैसे क्लियर करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए ये टैंक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए दो आउटलेट कनेक्शन है, एक दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का है और एक दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का है जो मैं अभी दिखाया हूँ, जिसका ब्लॉकेज अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दोनों आउटलेट यहाँ पे है और ये जो है मैं पहले चेंज किया था, पहले चेंज करके देखा लेकिन फिर भी ये क्लीन नहीं हुआ। तो अभी दोस्तों प्रेशर देके इसको क्लीन करेंगे। तो प्रेशर मारने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे वाल्व बंद कर देंगे ताकि जो है जो नीचे से हम प्रेशर देंगे तो वो पानी दोस्तों यहाँ पे टैंक में ना आने पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एयर पाइप है इसको भी मैं बंद कर दिया हूँ ताकि जो है पानी पाइप में होल्ड हो सके। ठीक है, भरपूर प्रेशर देंगे दोस्तों। अब चलिए मैं नीचे चलता हूँ, उसके बाद प्रेशर मारना मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों वो टॉयलेट है, उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बाथरूम वाला एरिया है और यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रेशर पंप यहाँ पे मैं रखा हूँ टेबल पे। उसके बाद ये देखिए ये जो है दोस्तों ये इनलेट है। इनलेट को कहीं भी आप टैप में, किसी टैप में इस तरह से आप लगा सकते हैं या फिर किसी टब में पानी भर के उसके बाद यहाँ से इस तरह से पानी लेंगे, उसके बाद पूरे पाइप में पानी को फिल करेंगे। ये जो है यहाँ पे इस तरह से अलग हो जाता है, ये देखिए ये अलग हो गया इस तरह से और इसमें कनेक्ट करने के लिए ये खुल जाता है, 1.25 इंच का है। ये देखिए अभी ये फिर लॉक हो गया। अब यहाँ से इस पाइप के रास्ते में पानी लेंगे, ये देखिए बकेट में डाल दिया मैं। और ये जो है दोस्तों ये आउटलेट है 1/2 इंच का, देख सकते हैं आप, 1/2 इंच का ये निप्पल है। उसके बाद सॉकेट दिया, फिर ये निप्पल दिया मैं 1/2 इंच का, उसके बाद ये कनेक्शन पाइप से इधर मैं कनेक्ट किया हूँ। अब पाइप लाइन में दोस्तों प्रेशर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए ये देखिए यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो गेज है दोस्तों पर केजी सेंटीमीटर वाला नहीं है, यहाँ पे ये एमपीए वाला है, यानी कि मेगा पास्कल इसका वैल्यू होता है। तो अभी 1 मेगा पास्कल में दोस्तों 10 केजी का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा प्रेशर नहीं भरेंगे, इसमें कम प्रेशर भरेंगे। 10 केजी प्रेशर टेस्टिंग के लिए होता है, तो अभी 15 से 20 केजी प्रेशर मैं मैक्सिमम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देंगे तो अगर पीवीसी पाइप है तो उसको ये ज्वाइंट को फेल कर सकता है। तो अब दोस्तों इसको मैं पानी में डाला, 2-3 बार पाइप में पानी भरेंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे। रिलीज करने के लिए बाथरूम में एक टैप है, वहाँ से मैं रिलीज करूँगा। अब देखिए इसको इस तरह से लगा दिया मैं, उसके बाद टैप को ओपन कर देंगे। ये देखिए टैप को पूरा ओपन किया हूँ मैं ताकि जो है ये मोटर पे दबाव ना आए, और इसको मैं ऑन करूँगा। ये देखिए इसको मैं ऑन कर दिया और यहाँ से देखिए पानी लेना स्टार्ट हो गया है। ये कनेक्शन पाइप जो है दोस्तों काफ़ी मजबूत लगाएंगे आप, क्योंकि अगर लोकल होगा तो ये पाइप फट जाएगा। और यहाँ से मैं प्रेशर दे रहा हूँ तो बाथरूम में अभी पानी गिर रहा है, देखिए पानी यहाँ पे गिर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये टैप को, क्योंकि मुझे पाइपलाइन को पूरा पानी से भरना है इसलिए इसको मैं बंद करूँगा। ये देखिए अब इसको मैं भर दिया और यहाँ पे दोस्तों ये प्रेशर गेज अभी उठना शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी देखा आपने यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे 10 एमपीए तक आया था, तो अभी इसको मैं बंद कर दिया हूँ क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कनेक्शन पाइप पूरा टाइट हो गया है। अब प्रेशर को फिर से रिलीज करेंगे पानी को जो फिल किया गया है। यहाँ पे अभी गंदा पानी निकल रहा है और यहाँ पे कचरा भी निकला है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बकेट में, ये देखिए ये सब टूटल इस तरह से कचरा है, अभी ये निकलेगा। इस तरह से आपको 3-4 बार करना है, यही चीज दोहराना है। पाइप में पानी को भरना है, फिर पानी को रिलीज करना है, पानी को भरना है, रिलीज करना है। इस तरह से करेंगे तो पूरा बाथरूम का पाइपलाइन दोस्तों साफ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेशर साफ हो गया है पूरा पाइपलाइन। ये देखिए पानी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे देखिए प्रेशर पंप मेरा चल रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए बकेट में पानी खाली हो रहा है तो पानी डालते जाएंगे। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पे बाथरूम में भी पानी आने लगा, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो दोस्तों आप देखिए पाइपलाइन को पूरा क्लीन करने के बाद आप देखिए ये कुछ इस तरह का प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर है और जो पाइपलाइन था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कचरा निकला, ये पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। आप देखिए ये प्रेशर आ रहा है, बाथरूम में भी मैं दिखाता हूँ, सब जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैं यहाँ पर बंद कर दिया, ये देखिए बंद कर दिया। अब चलिए बाथरूम में मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए ये बाथरूम है, देखिए आप देखिए इसका प्रेशर। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ का प्रेशर, देखिए यहाँ भी प्रेशर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये वॉश बेसिन है तो इसका भी प्रेशर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ भी काफी अच्छा प्रेशर आ रहा है, फुल प्रेशर आ रहा है। तो अभी प्रेशर दोस्तों हर जगह सही हो गया, ये वॉश बेसिन में भी यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद टॉयलेट में भी दिखाया मैं, उसके बाद यहाँ पे बाथरूम में भी दिखाया। पूरा जो पाइपलाइन है दोस्तों वो क्लीन आउट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रेशर पंप के जरिए कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है पाइप में। ये जो है दोस्तों वाटर प्योरीफायर में चला जाएगा पाइप के रास्ते, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है। किसी भी तरह का केमिकल अगर आप यूज करते हैं तो सिर्फ पानी से और प्रेशर पंप के जरिए पानी पहुँचा के पाइपलाइन में क्लीन कर सकते हैं पाइपलाइन को। दोस्तों अभी देखा आपने प्रेशर पंप के जरिए मैं बाथरूम में जितना भी ब्लॉकेज था सबको क्लियर कर दिया हूँ। प्रेशर आपको टेस्ट करके दिखाया, काफ़ी भरपूर प्रेशर आ रहा है नए जैसा, जितना उसमें आना चाहिए उतना पानी आ रहा है। तो दोस्तों ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए प्रेशर पंप के अलावा इसमें मैनुअल रूप से मैं वायर डाल के साफ किया हूँ। 2-3 जगह पर स्टील वायर डाला गया है, जिस वायर को हम लोग वायर पुलिंग के दौरान यूज करते हैं स्टील वायर, तो टैप को खोल के उसको भी 3-4 जगह पे डाला गया है। उसके बाद जो भी कचरा था सब साफ हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है और लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।